हेलो एवरीवन, भारत में आईपीसी सीआरपीसी को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे कानूनों को एक तरफ जहां लागू किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पॉस्को एक्ट के तहत एक मामला यहां पर देखने को मिला, जिसमें शारीरिक संबंध बनाने को लेकर के यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। और इस केस में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमत से सेक्स करने की उम्र को बढ़ाए जाने पर एक टिप्पणी की है। आज हम यहां पर इसी मामले को लेकर यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉस्को एक्ट क्या है, सहमत से किसी के साथ सेक्स करने की उम्र क्या है, इसको बढ़ाए जाने का आधार क्या है और इससे संबंधित मामलों के सभी पहलुओं को। सबसे पहले आइए यहाँ पर नजर डालें। देखिए, यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी यहाँ पे की है कि लोगों को शायद अभी ये मालूम नहीं है कि सहमत से जो सेक्स करते हैं, यानी कि जो शारीरिक संबंध आप बनाते हैं किसी के साथ, उसकी जो न्यूनतम उम्र थी उसे यहाँ पर आपको बढ़ा दिया गया है। जो पहले 16 साल थी उसे 18 साल कर दिया गया है। और ये मामला यहाँ पे चर्चा का विषय क्यों बना है, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर किस पीठ के द्वारा इस पर टिप्पणी की गई है, और आइए यहाँ पर इसे समझिए। सबसे पहले देखिए, हाल ही में हुआ क्या है कि यौन अपराध से पॉस्को एक्ट के अंतर्गत आपसी सहमत से शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले में आरोपी के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यहाँ पर बरी कर दिया था। इसी मामले को लेकर के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील यहाँ पर दायर कर दी। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के द्वारा यहां पर सुना गया है, जिसमें जस्टिस संजीव करोल हैं, जस्टिस संजीव खन्ना हैं, जस्टिस पीवी संजय कुमार हैं, और इनके द्वारा मामले की सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के द्वारा अपना फैसला जो यहां पर सुनाया गया इस अपील पर, इसमें जो जस्टिस थे संजीव खन्ना, उनका यहां पर कहना है कि देखिए, अभी भी जो लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की जो उम्र सीमा है उसे 16 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष कर दी गई है। और ऐसी स्थिति में जब लोगों को पता नहीं है तो कई बार यहाँ पर इससे संबंधित गलत फहमियाँ होती हैं, गलत आपको FIR दर्ज होती है और वहाँ पर गलत तरीके से केस चलाए जाते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर पॉस्को एक्ट को समझेंगे। पॉस्को एक्ट क्या है और इसके तहत किस तरीके के मामले दर्ज किए जाते हैं। सबसे पहले देखें पॉस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, पॉस्को का फुल फॉर्म जो है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी जाता है। इस एक्ट को देखा जाए तो 2012 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था, जिसमें बच्चों से संबंधित सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई। इसके तहत नाबालिग बच्ची के साथ होने वाले यौन अपराध को छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इसमें अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा का यहां पे प्रावधान भी किया गया है। वहीं अगर हम बात करें, पॉस्को एक्ट के तहत ही सभी अपराधों की सुनवाई होती है और इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट यहां पर कैमरे की निगरानी में पूरी सुनवाई यहां पर आपको करते हैं। साथ ही इसमें बच्चे के माता पिता जिन पर बच्चा भरोसा करता है उनकी मौजूदगी भी सुनवाई के दौरान होती है। बच्चियों के साथ दरिंदगी को रोकने के लिए इस एक्ट में 18 जुलाई 2019 को एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। बदलाव क्या था कि जो 16 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को उम्र कैद या मौत की सजा का यहां पर प्रावधान था, मौत की सजा का प्रावधान है अभी देखा जाए। और इस एक्ट के तहत पुलिस की यह जवाबदेही है कि पीड़ित का मामला 24 घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लाया जाए, जिससे पीड़ित की सुरक्षा के लिए जरूरी यहां पे कदम उठाए जा सके। साथ ही पॉस्को एक्ट से बचने का कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन अगर यह साबित होता है कि पीड़िता की उम्र 18 से ज्यादा है तब इस धारा को हटा दिया जाएगा और अन्य किसी भी सूरत में आरोपी यहां पर बच नहीं सकता है। तो ये पॉस्को एक्ट के तहत जो प्रावधान है जिसके तहत यहाँ पे मामले दर्ज किए जाते हैं, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। अब बाकी यहाँ पर पॉस्को एक्ट में सहमति की उम्र अधिक क्यों है, तो इसको भी यहाँ पर देख लीजिए। सहमति यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा सेक्स करने को लेकर के अपनी हाँ कहना, यानी कि उसमें यहाँ पर उनकी रजामंदी कहना। अब जघन्य अपराध में अगर हम देखें तो अपराधियों को यहाँ पर सजा मिल सके और बच्चियों की सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित की जा सके, इसके संदर्भ में यहां पर इसे लागू किया गया है। कानून के दुरुपयोग को रोकना भी एक अहम चुनौती है। कई बार यहां पर गलत मामले दर्ज कर लिए जाते हैं, गलत केस दर्ज कर दिए जाते हैं, या किसी को फंसाने या बदला लेने के लिए भी यहां पर मामले दर्ज कर दिए जाते हैं।
तो कानून के दुरुपयोग के रोकने के लिए भी यहाँ पर आपको कई बार जो अपराधी होते हैं वो नाबालिग होने के कारण भी यहाँ पर बच जाते हैं। ऐसे कई सारे मामले हैं जिसमें हमने निर्भया कांड को भी देखा है। तो इन सारी चीज़ों को, यानी कि कानून के दुरुपयोग को रोकना एक बड़ी चुनौती आपको लगातार रही है। दिल्ली में अगर आप देखें, जो निर्भया कांड था 2012 के बाद बनाए गए पॉस्को एक्ट के अंतर्गत सहमत से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र को 16 वर्ष से बढ़ा करके यहां पर अब 18 वर्ष कर दिया गया है। वर्तमान पॉस्को एक्ट पर न्यायालय यहां पर देखा जाए आपको क्या कहता है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ ने दिसंबर 2022 में पॉस्को एक्ट के अंतर्गत सुधार करने पर एक टिप्पणी भी की थी। पॉस्को एक्ट के अंतर्गत सहमत की वर्तमान उम्र ऐसे मामलों को संभालने वाले न्यायाधीशों के लिए यहां पर एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है कि आप किसको सजा दें, उसकी उम्र का ध्यान रखा जाए कि नहीं रखा जाए, जिसके साथ अपराध हुए हैं क्या उसे कैसे न्याय दिया जाए। यह अपने आप में एक कह सकते हैं दुविधा की एक स्थिति क्रिएट करता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो फैसला था, केंद्र सरकार से यौन संबंधों के लिए सहमत की उम्र को घटाकर 16 वर्ष करने का यहां पर आग्रह किया गया था। हाईकोर्ट के अनुसार सहमत से शारीरिक संबंधों में शामिल किशोर लड़कों के साथ होने वाले अन्याय को भी यहां पर आपको रोका जा सके। इस संदर्भ में यहां पर ये एक सुझाव जो है या एक तरीके से सिफारिश जो है कोर्ट के द्वारा किया गया। तो आइए, यहां पर जो मामला है, जो कह सकते हैं कानूनों को लेकर के जो जानकारी है वो जितनी बेहतर रहेगी उतने यहां पर अपराध होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए भी कानूनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी हो जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर हम आपसे यहां पर मिलते रहेंगे। चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।